हेलो बच्चों, आज हम एक एक्टिविटी करेंगे ब्लैक मिरर हाइड्रोफोबिक सरफेस के लिए। तो इसके लिए हमने एक समतल दर्पण लिया है, एक कांच की स्लाइड ली है और इसके साथ ही लेज़र लाइट ली है। लेज़र लाइट आप जानते हैं कि जब हम इसको ऑन करते हैं तो कैसे रोशनी का धब्बा हमें नज़र आता है। दर्पण के बारे में हम जानते हैं कि इसकी सतह चमकदार होती है और जब प्रकाश की किरणों को इसके ऊपर डालते हैं तो यह प्रकाश की किरणों को उसी माध्यम में वापस मोड़ देता है। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए सतह का चमकदार होना आवश्यक होता है। तो ये आप देख रहे हैं कि कैसे प्रकाश का धब्बा हमें दीवार के ऊपर दिखाई देता है। अब इसी दर्पण को मैं पानी के गिलास के अंदर डालूंगी और फिर इसके ऊपर लेज़र लाइट से रोशनी डालूंगी। तो देखिए, पानी में होने पर भी ये प्रकाश का परावर्तन करता है और हमें ये चमकदार ही दिखाई देता है। अब हमने एक मोमबत्ती को जला लिया है और ये मैंने एक कांच की स्लाइड ली है। तो कांच की स्लाइड को हम इस मोमबत्ती की ज्वाला के ऊपर रखेंगे तो देखिए कैसे ये एकदम से काली होनी शुरू हो जाती है। तो हम जानते हैं कि मोमबत्ती की ज्वाला का जो पीले वाला हिस्सा होता है उसके अंदर कार्बन के बिना जले हुए कण होते हैं जो कि स्लाइड के ऊपर इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये जो कार्बन के बिना जले कण हैं ये मोमबत्ती की ज्वाला की ऊष्मा के कारण चमकते हैं। तो इसीलिए ज्वाला का जो पीले वाला हिस्सा होता है वो हमें काफ़ी चमकदार दिखाई देता है। तो देखिए, धीरे धीरे पूरी जो स्लाइड है इसको हम इस तरह से धुएं से काला कर लेंगे और इस प्रकार से जब हम इसके ऊपर रोशनी डालते हैं लेज़र लाइट से तो कैसे हमें धब्बा दिखाई देता है। तो काली सतह होने के कारण ये प्रकाश का परावर्तन नहीं करती। अब इसी स्लाइड को मैं पानी के गिलास के अंदर डालूंगी तो देखिए कैसे पानी के अंदर डालते ही एकदम से चमकदार हो जाती है और दर्पण की तरह दिखाई देनी शुरू हो जाती है। और जब इसके ऊपर लेज़र से लाइट डाली जाती है तो कैसे आप देखिए कि एकदम से ये प्रकाश का परावर्तन भी शुरू कर देती है। तो ये हमारा काला दर्पण बन गया ब्लैक मिरर। तो अब इसका रीज़न क्या है कि जो धुआं होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, यानी पानी को अपने से दूर भगाने वाला होता है। तो जैसे ही हम इसको पानी के अंदर डालते हैं तो धुएं की सतह के कारण ये पानी को अपने से दूर कर देता है और पानी और स्लाइड के बीच में हवा की एक परत सी बन जाती है और इसी परत से ये जो प्रकाश की किरणें हैं इनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और इसी कारण से हमें दीवार के ऊपर प्रकाश की किरणों का धब्बा जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो देखिए कैसे ये हमारे लिए एक चमकदार दर्पण की तरह ही काम कर रही हैं और वैसे ये जो स्लाइड है ये काली है। तो पानी से बाहर निकालने पर देखिए ये काली ही नज़र आती है और प्रकाश का परावर्तन नहीं करती है, लेकिन पानी के अंदर दोबारा डालने पर ये फिर अपना हाइड्रोफोबिक सरफेस के कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर देती है। और देखिए कैसे ये पेन का प्रतिबिंब भी इसी के अंदर बन जाता है। तो ये काला दर्पण बन गया। अब इसी स्लाइड को मैंने दोबारा से लिया है और अब मैं इसके ऊपर ड्रॉपर से पानी की बूंदें डाल रही हूँ। तो देखिए कैसे पानी की बूंदें उछल के दूसरी तरफ जाके गिर जाती हैं, जबकि कांच जो है इसके ऊपर जब पानी डाला जाता है तो ये इसके ऊपर बड़े आराम से टिक जाता है क्योंकि पानी कांच को गीला करने वाला होता है। जो हमारे पास धुएं के कारण जो सरफेस बन जाती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, यानी पानी को अपने से दूर भगाने वाली होती है। तो इसीलिए पानी की बूंदें उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं टिकती हैं और उससे दूर चली जाती है। तो देखिए कैसे पानी की बूंदें हमें उछलती हुई दिखाई देती हैं। और अब इसी स्लाइड के ऊपर कुछ एरिया जो है हमने धुएं को साफ कर दिया है और इसके ऊपर मैंने ये पीले रंग का पानी डाला है तो ये पानी के अंदर रंग घोला गया है। और अब देखिए कैसे फिर दोबारा से जो पानी के बूंदे हैं वो धुएं वाली जगह से दूर जाकर सिंपल प्लेन कांच के ऊपर जाके इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं। तो इस एक्टिविटी के द्वारा आप पानी के सरफेस टेंशन यानी पृष्ठीय तनाव के बारे में भी सीख सकते हैं कि कैसे जो पानी की बूंदे हैं ये बीच में इकट्ठी होती जा रही हैं और जो पानी का इसकी ऊंचाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये पानी के पृष्ठीय तनाव के कारण होता है, सरफेस टेंशन के कारण। तो इस एक्टिविटी के द्वारा आपने हाइड्रोफोबिक सरफेस और पानी के सरफेस टेंशन के बारे में सीखा। तो ये सिंपल एक्टिविटीज़ हैं, आप भी इनको कर सकते हैं और पानी के इन गुणों के बारे में सीख सकते हैं। थैंक यू।